ऑल राइट दोस्तों, तो आ गया है सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। रीजन तो आप सबको पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो मैं बताता हूँ ना। गैलेक्सी ए सीरीज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला सीरीज है। इससे पहले सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप सीरीज S24 को लॉन्च किया था और उसमें उसने बहुत सारे AI फीचर्स को डाला था, और उसके बाद से सीधा मिड बजट और अपने सबसे पॉपुलर सीरीज ए सीरीज लेकर आ गया है। तो क्या क्या है इस फोन में एक्साइटिंग, बिल्ड क्वालिटी हो या डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, करेंगे सबके बारे में बातचीत पूरे डिटेल में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें मैं करने वाला हूँ फुल फ्लेज रिव्यू ऑफ सैमसंग गैलेक्सी A55। तो आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद है तो फटाफट लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और करते हैं शुरुआत इसके डिजाइन से। दोस्तों बात अगर इसके डिजाइन की करें तो काफी खतरनाक लुक दिया गया है। इसका प्रेडिसेसर यानी कि A54 से ये काफी ज्यादा कूल लगता है देखने में। पीछे की तरफ आपको पूरा ही ग्लास बैक देखने मिल जाता है जिसमें लाइट पड़ने पर वो डिफरेंट कलर्स में रिफ्लेक्ट होती है, जो कि काफी कूल लगता है देखने में। इंद्रधनुष वाली फीलिंग आती है। बैक पूरा ही फ्लैट है और साइड साइड से आपको टेक्सचर्ड मेटल फ्रेम फिनिश मिल जाता है। बैक साइड से देखने पर ये बिल्कुल S24 सीरीज वाला बिल्ड देखने मिल जाता है, लेकिन सामने से देखने पर हाथों में टच एंड फील जो है वो डिफरेंट है काफी। आई मस्ट से अच्छा लग रहा है फीलिंग वाइज। कलर्स जो है वो बहुत ही अच्छे से सेटल किया गया है। आपको इस फोन में फ्रंट बैक दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। पॉट्स और बटन की बात करें तो नीचे की तरफ दो माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल और USB टाइप सी का पॉट। राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर, अपर की तरफ नॉइस कैंसिलिंग माइक और सिम का ट्रे। अगर सिम ट्रे की बात कर लूं तो आप चाहे तो दो सिम लगा कर रखिए या एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा कर रख सकते हैं। फोन का वेट के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा वजनदार लग सकता है, 215 ग्राम के आसपास इसका वेट है। लुक एंड फील में काफी जबरदस्त है फोन। दोस्तों ये फोन आपको ऑसम आइस ब्लू, ऑसम लेमन और ऑसम नेवी कलर है, 3-4 कलर्स में देखने मिल जाएगा। फोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाला जो काफी जबरदस्त तरीके से वर्क करता है, म्यूजिक वगैरह सुनकर आपको मजा आएगा। इसके अलावा कुछ चीजें काफी अच्छी है, जैसे आपको मेंटेनेंस मोड मिल जाता है, मतलब सर्विसिंग वगैरह के टाइम देते वक्त डेटा चोरी का डर खत्म हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द डिस्प्ले पार्ट। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो A55 में डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो A54 के कंपैरिजन में बड़ी हो गई है। अब जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता दो कि सैमसंग जो है वो बढ़िया डिस्प्ले बनाने के लिए जाना जाता है, बोले तो वर्ल्ड फेमस है। 6.6 इंचेस का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है 120 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। विजन बूस्टर मिल जाता है, SGS सर्टिफिकेशन जो कि लो लाइट सर्टिफिकेशन आता है। पीक ब्राइटनेस जो है वो HBM मोड में 1000 निट्स है। बेजल्स टॉप बॉटम साइड सब जगह सेम साइज के मिल जाते हैं। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे OTT कंटेंट आप HD में देख पाएंगे। मल्टीमीडिया कंज्यूम अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके इससे देखकर खुशी मिलने वाली है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले की बात करो तो डिस्प्ले में कैपेबिलिटीज तो है, कलर्स काफी अच्छे से खुले हुए हैं, क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर, तो डिस्प्ले के मोर्चे पर मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, बहुत अच्छा डिस्प्ले है इसका। नाउ मूव ऑन टू इट्स परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर स्टैंडपॉइंट से बात करें दोस्तों तो सैमसंग का A55 जो है कम्स विद वन UI 6.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स। इसके साथ आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं, तो अपडेट्स के मामले में काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको। इसके UI की बात करें तो आपको बहुत सारे ब्लॉटवेयर मिल जाते हैं, बहुत सारे एप्स जो आपको नहीं चाहिए उसको आप टॉगल ऑफ नहीं कर सकते। वैसे आप चाहे तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट स्टिल आपको देखने तो मिलेगा। इसको अगर साइड कर दे तो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और फ्री रहा है। आपको इसमें 2 वेरिएंट मिल जाता है, जो बेस वेरिएंट है वो 1 है वो 8/128 GB है और जो दूसरा है वो 12 GB 256 GB स्टोरेज मिल जाता है। इसमें आपको LPDDR5X RAM मिलता है और जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 का है। चिपसेट के मामले में आपको मिलता है Exynos 1480 4nm फैब्रिकेशन का चिपसेट, काफी पावरफुल चिपसेट है। टेस्टिंग वगैरह में स्कोर्स भी अच्छे आए हैं। इसका अंततः स्कोर की बात करें तो 7,25,000 7,30,000 के आसपास गया है, तो पावर को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। CPU थ्रॉटल टेस्ट में कुल 75% के आसपास स्टेबिलिटी देखी गई है, तो स्टेबल है ये चिपसेट। बेंचमार्क में अच्छे स्कोर्स भी आए हैं और परफॉर्मेंस में काफी स्मूथ देता है, हेवी एप्स को इजीली हैंडल कर लेता है। गेम्स वगैरह की बात करें तो नए चिपसेट में आप मीडियम सेटिंग्स पर गेम खेल सकते हैं। व्हाइट लिस्टिंग का इशू आ सकता है, कूलिंग सिस्टम जो है वो पहले से 70% बिगर हो गया है, तो थर्मल्स वगैरह काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है, ज्यादा हीटिंग इशू नहीं आएगा। यहाँ दोस्तों एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि A55 सीरीज जो है वो एक हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस वाला फोन नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खास है। कुछ और फीचर्स की बात कर ले तो इसमें मिलता है आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, वैसे सारा सेंसर्स अवेलेबल है एंड दैट वर्क्स रियली वेल। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको मिलता है सारे 5G बैंड का सपोर्ट, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट, NFC मिल जाता है और इस A सीरीज में आपको पहली बार eSIM का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो इट्स गुड, अच्छा लगा।
लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैमरा। जी हाँ दोस्तों, कैमरा के बारे में बात करेंगे तो आपको फंक्शनल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा। जी हाँ दोस्तों, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा को रिप्लेस करके 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि अच्छा है। फ्रंट में देखें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अगर कैमरा के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इस फोन का हाईलाइट है। प्राइमरी सेंसर की बात करें या अल्ट्रा वाइड की, फोटोज अच्छे आते हैं। आपको OIS मिल जाता है कैमरा में, जो कि इसकी क्वालिटी को काफी सही कर देता है। डेलाइट में इमेजेस काफी प्लेजिंग लगते हैं देखने में, काफी अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है, एक अच्छा सा डायनामिक रेंज, हाई कॉन्ट्रेस्ट और कमेंडेबल शार्पनेस मिल जाती है। जो इमेजेस आप इसे क्लिक करते हैं उसमें आपको पंची और वाइब्रेंट क्वालिटी भी मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड लेंस भी डेलाइट में डिसेंट शॉट्स देते हैं। डायनामिक रेंजेस, डिटेलिंग, कॉन्ट्रेस्टिंग सब सही है। तो अगर आप चाहे तो इसे कैमरा के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियोग्राफी की बात करें तो आप 4K 30fps पर रियर कैमरा से शूट कर सकते हैं, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा कम लगा। 4K 60fps पर रखना चाहिए था। फ्रंट कैमरा से आप 4K 30fps पर शूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप 12-bit वीडियोग्राफी का भी यूज कर सकते हैं। काफी सही लगा मुझे, लो लाइट में भी शूटिंग काफी सही होती है। आप नाइटोग्राफी मोड का यूज करेंगे तो इमेजेस काफी शार्प आती है। कैमरा की क्वालिटी A54 के कंपैरिजन से काफी बड़ी है। इवन नाइट पोर्ट्रेट से भी जब आप फोटोज वगैरह लेते हैं तो उसमें भी आप डिफरेंसेस देख पाएंगे A54 और A55 के बीच। दोस्तों इस फोन में एक चीज इंटरेस्टिंगली काफी अच्छी हुई है और वो है AI का यूज। AI के आने से जब आप फोटो वगैरह लेंगे ना तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि कैसे आप अच्छे फोटोज ले सकते हो। वीडियो शूट करते वक्त ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे वो सेंटर में आ जाता है। फोटोज क्लिक हो जाने के बाद भी उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, जैसे रीमास्टर हो गया, जैसे कि आप अपने फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप फोटोज में एक्स्ट्रा चीजों को इरेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इमेज क्लिपर मिल जाता है। तो मतलब ओवरऑल बोलूं तो आपको AI के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं फोटोज क्लिक करने से पहले और करने के बाद भी। दोस्तों अब आते हैं इसके बैटरी के तरफ। तो सैमसंग गैलेक्सी A55 में आपको मिलता है 5000mAh की बैटरी और 25W का चार्जर। बैटरी अच्छी है, अच्छी चलती है, पर चार्जर थोड़ा स्पीड करना होगा सैमसंग को। दोस्तों अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। तो अगर ओवरऑल बोलूं तो सैमसंग गैलेक्सी A55 एक अच्छा फोन है। इस फोन में आपको कई सारी अच्छी चीजें मिल जाएगी जो काफी अमेजिंग है, लाइक इसका डिस्प्ले ले लो, कैमरा ले लो, AI फीचर्स ले लो, और जहां थोड़ी बहुत कमी है वो कमी भी इतनी बड़ी नहीं है, बस थोड़े सुधार के बाद वो भी ठीक हो सकता है। हाँ, कुछ जगह कंपनी को थोड़ा ध्यान देना होगा, और अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो ये शायद आपके लिए परफेक्ट नहीं है। नॉर्मली गेम्स वगैरह खेलते हो तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। प्राइसेस की बात करें तो 8128GB वाला 40 के तक में मिल जाएगा और 12256GB वाला 45 के तक में। बैंक ऑफर्स वगैरह यूज करने से और कम हो सकता है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है या कुछ जानना है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, फटाफट ज्वाइन कर लेना इसको। ऑलराइट देन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।